कैलाश पर कैलाश स्वामिनी का पुनः स्वागत है। अभी नहीं नंदी, वर्षों पश्चात माता पिता मिले हैं, कितनी सारी बातें होंगी कहने सुनने को। इस समय उन्हें एकांत में छोड़ देना ही श्रेष्ठ होगा। विश्वास करने का प्रयास कर रही हूं कि मैं लौट आई हूं। नहीं गौरी, वास्तविकता में तुम्हारे आने से मेरा घर लौट आया है। विश्वास ही नहीं होता कि मैं सब कुछ भूल गई थी और आपको मुझे ढूंढने आना पड़ा। अब हम समान हुए। एक बार तुम मुझे खोजते हुए कैलाश आई और एक बार मैं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास आया। समान कैसे देव, मेरी पीड़ा अधिक थी, मैं तो कुछ नहीं जानती थी। तुम्हारा कुछ ना जानना ही तुम्हारे लिए वरदान था गौरी। वास्तविकता में मेरी पीड़ा तुमसे कहीं अधिक थी। जब तुम मुझे खोजते हुए आई तब मैं समाधि में अवश्य था, किंतु तुम्हें भूला नहीं था। जब आप मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी, किंतु ध्यान में केवल आप थे देव। चलिए, एक और प्रसंग का अंत हुआ। एक प्रसंग का अंत होता है तो दूसरे प्रसंग का आरंभ होता है गौरी। नवदुर्गा की कथा का अगला अध्याय लिखने को सज्ज हो। कैलाश स्वामिनी हूं, महादेव की अर्धांगिनी, सदा सज्ज रहती हूं। मेरी तपस्या का फल देने के लिए धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा है कि जो बल तुमने छल से पाया है उसका उपयोग संसार के हित में करोगे। कहाँ चल दिए ब्रह्मदेव? तुम्हें मन चाहा वर दे दिया मैंने, अब मेरी यहाँ क्या आवश्यकता है? ये निश्चित मैं करूंगा, क्योंकि वरदान का बल तो मेरे पास है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? यही कि अपने प्रिय भक्तों से मिले बिना कैसे जाएंगे आप? यदि आपको यहां से जाने दिया तो आप फिर से अपना छल दोहराएंगे। असुरों को बल देकर उनका नाश करने के लिए एक और शक्ति का सृजन करेंगे आप। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाश के लिए आप ऐसी देवी उत्पन्न करें जो आप त्रिदेव की शक्ति से संपन्न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे अतिथि बनकर रहे। जाने दो महिषासुर, अन्यथा अपनी मृत्यु को बुलाओगे। अच्छा, मैं अपनी मृत्यु को नहीं महाकाली को बुलाना चाहता हूं, ताकि उसका अंत करके मैं एक नए असुर युग का प्रारंभ कर सकूं। आप गंभीर क्यों हैं महादेव?
महिषासुर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपराजय हो गया है, त्रिदेव मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सकते। तो महाकाली उसका अंत करेगी। आप मौन क्यों हैं देव? आप ही तो कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। महिषासुर ने विचित्र वरदान मांगा है पार्वती, उसे केवल वो स्त्री मार सकती है जो त्रिदेव की शक्तियों से सज हो। तो समस्या क्या है? आप तीनों मिलकर ऐसी शक्ति का सृजन कीजिए और मुझे दे दीजिए। वही तो संभव नहीं। क्यों दे? क्योंकि महिषासुर ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी शक्ति का उदय हो, इसीलिए उसने ब्रह्मदेव को बंदी बना लिया। अब तो महाकाली को आना ही पड़ेगा। अभी नहीं, अर्थात पहले वो आएंगे जिनकी डोर सीधी ब्रह्मा से बंधी है। स्वागत है नारायण, अपने परम शत्रुओं, हम असुरों के बीच चले आए। मैं जानता था आप अवश्य आएंगे। ये ब्रह्मा को बचाने नहीं आए हैं शुम, अपने आप को बचाने आए हैं। क्योंकि यदि सृष्टि की रचना होगी ही नहीं तो ये पालन किसका करेंगे, और फिर कौन इन्हें देव मानेगा? ब्रह्मदेव को बंदी बनाकर तुमने अपनी सीमा लांघ दी है महिषासुर, मुक्त करो उन्हें। मैंने इन्हें मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि आप त्रिदेव को सीमा में लाने के लिए बंदी बनाया है नारायण। इनके पश्चात अब आपकी बारी। तुम्हें बात नहीं, अघात की भाषा समझ आती है महिषासुर। ब्रह्मदेव का वरदान है, हमें कोई नर नहीं मार सकता। नारायण, बुलाओ उस नारी को, महाकाली को बुलाओ। नारायण को तो हम रोक नहीं पाए, परंतु आप उसके व्यूह में फंसने नहीं जाएंगे पिताश्री। और मेरा सुझाव है कि महादेव को जाना चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारा अंत करने वाली शक्ति स्वरूप लेगी, इसलिए लड़ो महिषासुर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। ब्रह्मलोक के साथ साथ वैकुंठ भी आज जीत लूंगा मैं।
कुछ नहीं कर पाओगे नारायण, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना ब्रह्मा ना तुम और ना ही स्वयं महादेव। हम चाहते थे महाकाली और आ गए महादेव। इसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूँ आगे बढ़ो महिषासुर। आज ब्रह्मलोक और वैकुंठ के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। समय आने पर तुम्हें भी महिषासुर पर प्रहार करना होगा कार्तिकेय। परंतु उससे क्या लाभ होगा? महिषासुर के नाश के लिए त्रिदेव के सम्मिलित शक्तिपुंज की आवश्यकता है, और ये संभव नहीं क्योंकि ब्रह्मदेव महिषासुर के बंदी है। कस्तूरी मृग। अर्थात? कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे अंतर मन में छिपे होते हैं कार्तिकेय। से केवल वो स्त्री मार सकती जो त्रिदेव की शक्तियों से सज्ज हो, क्योंकि महिषासुर ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी शक्ति का उदय हो। इसीलिए उसने ब्रह्मदेव को बंदी बना लिया। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। हल मिला? हाँ। इस समस्या के हल के लिए मुझे स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाना होगा कार्तिकेय। अब अधिक समय शेष नहीं है। माता की कथा का अगला अध्याय नहीं जानना चाहते कार्तिकेय। यह अध्याय तुम सुनोगे नहीं, देखोगे। प्रस्थान करो। महिषासुर।
तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे। आज ही इंद्रलोक भी मेरा होगा। चलिए नारायण महादेव, खेल के बीच का विराम समाप्त हुआ। महिषासुर, देवों के सेनापति के रहते तुम देवों का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे महिषासुर। वो आने वाली है नारायण। लो, अब बालक भी आ गए। मेरे बाल के बराबर नहीं, और बाल बाका करने की बात करता है। जाओ बालक, तुम्हारी आयु देखकर तुम पे दया की। जाओ कुछ दिन और जी लो। वीरों की आयु नहीं, प्रतिभा देखी जाती। और मत भूलो कि मैंने ताड़ का सुर का अंत किया है। अरे हाँ, इतने महान असुर का अंत करने वाला तो मेरी दया का पात्र हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी मरना होगा बालक। अब तेरे प्राण बचाने कौन आएगा? एक संतान को अपनी रक्षा के लिए माता को पुकारना नहीं पड़ता महेश। माता स्वयं सब जान लेती, और मेरी माता तो साक्षात महाकाली। सज्ज हो जाओ महिषासुर, क्योंकि जिस युद्ध का अब आरंभ होगा वो तुम्हारा अंत। यही तो मैं चाहता था कि वो काली आए और मैं उसका अंत करूं।
तुम हो महाकाली। शुम निशुम का काल मेरे हाथों काल कलवित होने चली आई तुम। होली नारी इसे ज्ञात ही नहीं वरदान का कैसा सुदृढ़ कवच आपने मेरे जीवन पे बांध दिया है ब्रह्मदेव। मुझे कोई स्त्री नहीं मार सकते जब तक उसके पास त्रिदेव की समुलित ऊर्जा ना हो। और तेरी मृत्यु उदाहरण बनेगी स्त्री की शक्ति का महिषासुर। अहंकार अहंकार भर गया है तुम में महाकाली। आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत कर दूंगा मैं। और तुम्हारी मृत्यु उदाहरण बनेगी नारी की दुर्बलता का। क्या हुआ? हार स्वीकार कर ली महिषासुर? उठो करो प्रहार। तेरे पुत्र का अंत आज तेरे ही सामने होगा महाकाली। महादेव क्रोध की ज्वाला से भरी अपनी पत्नी को समझाइए ये मेरा नाश नहीं कर सकती। इसलिए ये आक्रमण नहीं समर्पण करे। अहंकार तो टूट गया तुम्हारा अब महादेव से बंधन तोड़ के शुंभ की हो जा। यदि तुम्हें अपने प्राण चाहिए तो अपने प्राणनाथ को छोड़कर हमारे चरणों की दासी बन जा। मौन रहो दुष्ट।
शीघ्रता करो, निर्णय सुनाओ अपना, मृत्यु या दासत्व। मैं मृत्यु चुनती हूं। नहीं माता, ये आप क्या कर रही है? बस हो गया महाकाली के काल रूप का अंत, सिद्ध हो गया कि नारी अबला होती है। अब ये सारे संसार को सिद्ध करूंगा मैं, महाकाली भी एक प्रचंड पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर, क्यों? मरने वाले की इच्छा पूर्ण की जाती है। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मृत्यु का अस्त्र स्वयं चुनूं। और वो अस्त्र क्या है? मेरे पति महादेव, मेरे भाई नारायण और मेरे पिता और गुरु स्वयं ब्रह्मदेव। इन तीनों की आशा हूं मैं, इन तीनों के प्रयासों का सृजन हूं मैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि इन तीनों के सृजन किए हुए अस्त्र से मैं अपना अंत पाऊं। ताकि मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा संतुष्ट रहे। अद्भुत महाकाली, माँ पत्नी बहन शिष्य, कूट कूट के भाव भरे हैं तुम में। इस मनोरंजन के मूल्य के रूप में मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा दान करता हूं तुम्हें। महादेव नारायण, आइए अपनी पत्नी और बहन की अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। क्या आपको मेरी आंखों में शंका दिखाई देती है देव? शंका? पार्वती का निर्णय महादेव के लिए आदेश। त्रिशूल के रूप में मैं अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। और मैं अपनी शक्ति का प्रतीक सुदर्शन चक्र, और मैं अपनी शक्ति का प्रतिरूप ब्रह्मास्त्र प्रदान करता हूं। We'll be right back.
असंभव है। नारी के लिए सब कुछ संभव है मूर्ख, जिसका आरंभ हुआ तेरे अंत के लिए। करो प्रहार। क्या एक देवी एक निरी अहिंसक पशु पे प्रहार कर सकेगी? मैं नहीं, परंतु कोई और तो कर सकता है। जीवा जीवस्य भोजनम्। Oh,
का कवच पहन लो या वरदान का अमृत पान कर लो, जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशाही होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। अगली बारी तुम दोनों की है शुंभ निशुंभ, परंतु तुम्हारा अंत मैं अपने उस स्वरूप में करूंगी जिसका तुमने अपमान किया था। यदि बचा सकते हो स्वयं को तो बचा लो। आज की रात तुम्हारे काल की रात्रि है। महाकाली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारा संहार करेगी।